एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये टर्म आप आजकल काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे सुनते होगे, देखते होगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले नहीं हुआ करता था। पहले तो बस मम्मियां बोल दिया करती थी कि हमारे जबान पे सरस्वती का वास होता है, इसलिए हमें सोच समझ कर कोई भी वर्ड अपने मुंह से निकालना चाहिए। बट आजकल जो है वो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड ये पहले भी था, बट इन अदर टर्म्स हम इसे जाना करते थे, लेकिन आजकल इसे काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और मैनिफेस्टेशन के नाम से। और काफ़ी ज़्यादा कोचेस ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन करना सिखाते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड करियर ऑप्शन आपके लिए निकल कर आ रहा है, एक कोच बनने का, जिसमें आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाते हो, कैसे आप अपनी ड्रीम्स और विशेस को फुलफिल कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के साथ। बट गाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो किसी से सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सो इसकी जो डिटेल्स है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज, तो वीडियो को पूरा देखें। तो गाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये एक ब्रिज है आपके करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट के बीच में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट के बीच का ब्रिज है, जिसे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करना पड़ता है, ताकि आपका जो डिजायर्ड स्टेट है आप उसे पा पाओ। बट हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हम ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को ही सोचते हैं, चाहे वो चीज़ हुई हो या नहीं हुई हो, हम नेगेटिव चीज़ों को ही ज़्यादा सोच में लाते हैं अपने। सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। हमारे दिमाग में जो है ना, वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चलती रहती हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा नहीं होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप ऐसे हो जो बिल्कुल पॉजिटिव रहते हो हर टाइम, तो आप बिल्कुल अलग हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप ऐसे हो। प्लीज़, ये पूरी जो डायरी है इसमें मैंने अपने सारे नोट्स बना के रखे हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, जो भी मैंने फील किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, एंड जितने भी मेरे रिसर्च रहे हैं इसके बारे में, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑल अबाउट द मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, आपको कैसे इसे एक्शन में लाना है, ये सब कुछ आज हम शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, या फिर हम क्यों अडैप्ट करना चाहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा वायरल क्यों चल रहा है आजकल? तो हम अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना चाहते हैं। विशेस जो कि काफी ज्यादा, काफी क्या, पूरी तरह से कॉमन है हर इंसान में। हम चाहते हैं हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप्स को अच्छा करना, और बिजनेस में करियर बनाना, और सबसे बड़ा चीज़ जो आजकल यूथ में देखा जा रहा है, वो है इनर लाइफ के बारे में, आपके मेंटल और इमोशनल स्टेट के बारे में। तो ये सब कुछ आप जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से अचीव कर सकते हो। सो गाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक ब्रिज है आपके करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट के बीच में। तो आपका करंट स्टेट क्या है? करंट स्टेट हमारा जो है वो है रोना, कंप्लेन करना, ब्लेम करना, और बस नेगेटिव चीज़ों को सोचते रहना, ये हमारा करंट स्टेट है। हम बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोचते, चाहे वो हमारा हेल्थ हो, या रिलेशनशिप हो, या फिर फाइनेंस हो, या वेल्थ हो, फाइनेंस से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, हम नेगेटिव ही ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उस वे में ही डिज़ाइन किया गया है कि ये नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा आपके दिमाग में चलाते रहता है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ से दूर होकर ही आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अचीव कर सकते हो। डिजायर्ड स्टेट है ना हमारा, वो करंट स्टेट को चेंज करके ही हम डिजायर्ड स्टेट तक पहुंच सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी का ब्रिज है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक जो
जर्नी है ना वो काफी ज्यादा टफ है, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है और चुटकी बजा के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। काफी ज्यादा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। गाइस हमारा जो सब पर्सनालिटी होता है वो तीन टाइप का होता है। सबसे पहला तो होता है ड्रीमर, हम किसी भी चीज को लेकर ड्रीम करते हैं, हम बहुत ही बड़े इंसान बन जाएं, काफी ज्यादा पैसे कमाएं, हमारा हेल्थ अच्छा हो, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो और हमारा जो मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट है वो अच्छा हो। नेक्स्ट में हम क्रिटिक बन जाते हैं, खुद के ही क्रिटिक बन जाते हैं कि यार मेरे से वो नहीं हो पाएगा, मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरे से इतना ज्यादा काम नहीं हो पाएगा, मेरे से कंसिस्टेंटली काम नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट जो है वो एक डूअर होता है। डूअर मतलब कि आप एक्शंस लेते हो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, आप एक्शंस लेते हो अपने आप को ज्यादा बेटर इंसान बनाने में। और यही जो थ्री स्टेप्स है ना, और जो लास्ट स्टेप है डूअर का, वही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आगे लेकर जाता है। बिना एक्शन के गाइज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस सोच के कोई फायदा नहीं है। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सनल काफी ज्यादा पर्सनल, बचपन से लेकर आज तक का मैं आपको जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या सोचा और मेरे साथ क्या हुआ है आज तक। सो हमारे अंदर ना काफी ज्यादा डर रहता है हर चीज को लेकर, और जो एक दो ऐसे डर होते हैं ना जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर कोई चीज इम्पोर्टेंट है तभी आपको उस चीज का डर होगा कि कहीं आपसे वो चीज छिन ना जाए, या आप उसे खो ना दो, या आप उसे अचीव ना कर पाओ। तो मेरे बचपन से मेरे दिमाग में ना, बहुत बचपन से मतलब आई वॉज अराउंड 4 or 5 years old, तब से ही मेरे मन में ना हमेशा से डर रहता था कि मेरे मम्मी पापा को कुछ हो जाएगा तो व्हाट विल आई डू, कैसे होगा। मतलब ये सोचकर ही बिल्कुल रोना वोना आ जाता था बचपन में, व्हेन आई वाज 4 to 5 years old। अगल बगल किसी के किसी की डेथ होती थी तो आई यूज टू गेट सो इमोशनल कि मेरे दिमाग में बस यही आता था कि अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो व्हाट विल आई डू। एंड टुडे वो जो डर था वो सच हुआ मेरे साथ। आई लॉस्ट माय फादर, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था, बचपन से लेके तो कुछ नहीं पता था, बट हाँ अब पता है। तो आई एम शेयरिंग दैट विद यू गाइस कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप, मतलब जो आप सोचते हो उसे आप कैसे अट्रैक्ट कर लेते हो। तो ये चीज़ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आप सोचते हो ना, वो लिटरली गाइज वो सही में सच हो ही जाता है, चाहे वो आप पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो। तो जो मेरे जो नेगेटिव थॉट्स थे ना वो सारे के सारे सच हुए हैं आज तक, सारे सच हुए हैं, बिल्कुल सच हुए हैं। नेगेटिव थॉट्स मेरे जो अंदर जो बैठा रहता था और मेरे दिमाग में जो हमेशा चलता रहता था ना कि अगर ऐसा हो गया तो, एंड सच में ये चीज़ सच हो गया। नेक्स्ट आई ड्रीम्ड कि मेरा ना 12th के बाद व्हेन आई गेव माय बोर्ड्स, तब मेरा फैशन इंडस्ट्री में जाने का काफ़ी ज़्यादा मन था। फैशन मैं बोलो तो फैशन डिज़ाइनर बनने का ज़्यादा मन था, बट सबने फोर्स किया या सबने समझाया तो आई बिकेम एन इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से मैंने इंजीनियरिंग किया, बट ये जो लाइन मैंने ज़बरदस्ती का लिया ना, इसमें मैंने करियर बिल्कुल भी नहीं बनाया। थोड़े दिन वर्क किया, उसके बाद घर में कुछ इश्यूज की वजह से आई हैड टू डिसकंटिन्यू माय जॉब, एंड मैंने घर से ही काम शुरू किया, वो भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे एज एन इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर। और इस फील्ड में आने के बाद यू वोंट बिलीव कि मेरी जो खुशी है ना और जो सेटिस्फैक्शन है ना वो कितना ज़्यादा है। आई कैंट एक्सप्लेन यू कि आई फील सो सेटिस्फाइड व्हेन आई जस्ट रिकॉर्ड दीज टाइप ऑफ वीडियोज़ और फैशन वीडियोज़ रिकॉर्ड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। आपको देखने में मज़ा आता है या नहीं आता आई डोंट नो, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे वीडियोज़ बनाने में, और कंटेंट क्रिएशन जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी देता है। तो मेरे साथ तो यही रहा, दो इंसिडेंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कि एक वो जो डर था वो भी सच हुआ, और एक जो ये फैशन इंडस्ट्री में आने का जो ड्रीम था ये भी मेरा पूरा हो रहा है एंड हुआ है। आई वर्क विद सच बिग ब्रांड्स कि आई कैन नॉट बिलीव कि मेरे जैसी लड़की, मेरे जैसे स्मॉल टाउन गर्ल ऐसे ऐसे बिग ब्रांड्स के साथ काम कर सकती है। एंड आई वर्क विद लैक्मे, पॉन्ड्स, माई ग्लैम और मतलब मोर देन 200 ब्रांड्स अभी तक मैंने वर्क किए हुए हैं।
एंड सबके साथ बहुत ही अच्छा काम हुआ है हमारा और आई जस्ट लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर दीज ब्रांड्स। ये जो चीज थी ना वो मेरे दिल से बिल्कुल चाही हुई चीज थी कि मैं फैशन इंडस्ट्री में जाऊं, कुछ करूं, और ये जो चीज जो मैं कर रही हूँ ना वो मैं मुझे उससे ज्यादा खुशी दे रही है, सेटिस्फैक्शन दे रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं पे मेरे लिए काम होता है, काम करता है कि मेरा जो ड्रीम था वो किसी ना किसी वे में जरूर फुलफिल हुआ। थोड़ा लेट ही सही, आई वॉज इन सम अदर पाथ, बट जो पाथ मैंने चूज किया उसी पाथ ने मुझे यहाँ पर लेकर आया है। यूनिवर्स जो होता है वो काफी ज्यादा आपके बातों को सुनता है, आपसे बात करता है, बस हम समझ नहीं पाते कि वो क्या बोल रहा है और हमें पता नहीं होता है कि हमें कैसे यूनिवर्स से बात करनी है। तो ये जो तरीके है ना वो मैंने रिसेंटली अपनाए हैं टू फुलफिल, एंड फुलफिल क्या बोलोगे आप, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के जर्नी में जो ये स्टेप्स आते हैं ना ये फॉलो करो तो आपको ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट मिलने वाला है। एक और इंसिडेंट है जहाँ पे मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा मेरा काम आया है और वो है आई जस्ट मैनिफेस्टेड गुड हेल्थ फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड एंड हिज हेल्थ इज़ रियली इम्प्रूविंग एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। तो इसलिए मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव भी है और काफ़ी ज़्यादा आई ट्रस्टेड कि ऐसा होता है। अब मेरे साथ नेगेटिव हो या पॉजिटिव वो मेरे थिंकिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता है, आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करोगे तो आपके साथ वो होगा। और अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे, उसके लिए रोते रहोगे, लाइक मी आई हैव क्राइड अ लॉट फॉर सो मेनी थिंग्स, मेरे अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए डर था एंड आई हैव फेस्ड देम, मैंने उन डर को जो है ना फेस किया है, मेरे साथ सच हुआ है और मैंने फेस किया है उसे। आई हैव गॉन थ्रू द पेन ऑफ those things, so I know कि मेरी वजह से ही वो चीज़ें जो है वो सच हुई, मेरी सोच की वजह से ही वो जो डर था ना मेरा वो रियलिटी में मेरे साथ हुआ, मुझे फेस करना पड़ा और मैंने फेस किया। आई हैड टू गो थ्रू द पेन एंड आई हैड टू गो थ्रू ऑल द प्रोसेस ऑफ दैट। तो गाइज यही प्रोसेस आपको नहीं करना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको अपना जो डर है ना उसको बिल्कुल दूर भगाना है, आप सोचो ही मत कि ऐसा कुछ होता है। तो चलिए बताते हैं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो कैसे काम करता है, आपको कैसे अचीव करना है और मैंने कैसे अचीव किया। सो गाइज हमारा जो माइंड है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारा जो मूड है, हम जो सोच रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, वो होता है सबकॉन्शियस, वो होता है कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हम जो ड्रीम्स देखते हैं, हम जो डिजायर करते हैं, हम जो विशेस मांगते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो एक लॉ पे काम करता है और वो लॉ जो है ना उसे कहते हैं FTBA। F stands for faith, T stands for thought, B stands for belief and A stands for action। अब हमारा ये सब करके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अचीव कर सकते हैं। सो गाइज हमारा जो ब्रेन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है और हमारा ब्रेन जो है ना इस टाइप से बना हुआ है कि वो हमारे थॉट्स को, बिहेवियर्स को रीवायर करके हमारा जो पर्सनालिटी है ना उसे बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर सकता है। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं वो सब जो है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाएगा ना तब एक एक प्रोसेस, एक जर्नी आपको ट्रैवल करने के बाद पता चलेगा कि ये चीज़ जो है वो कैसे रियलिटी में बदल रहे हैं। ऑफ अट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के साथ। अब विजुअलाइजेशन कैसे करना है, आपकी जो विशेस हैं, जो भी आप सोचते हो कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, उसको आप ना अपने मन में विजुअलाइज करो कि ये सच हो रहा है, ये सच हो चुका है। बस आप ना जो फ्यूचर स्टेट है उसको करंट स्टेट में सोचो। आई नो कुछ लोगों को ये पागलपन लग सकता है, कुछ लोग इस पे हंसेंगे, कुछ लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, बट इट इज अ ट्रुथ जो काफी कम लोग ही इस चीज के पीछे
बिलीव कर पाते हैं, इस चीज़ पे बिलीव कर पाते हैं। सो अगर आप उनमें से हो तो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करो। आप विजुअलाइज करो अपने विशेज़ को, अपने ड्रीम्स को इन करेंट स्टेट की, मतलब मेरा ये चीज़ हो चुका है, I am living that life, I have achieved it। आप बस manifest करो, अपने mind को ऐसे train करो कि ये चीज़ हो चुका है, ये चीज़ हो चुका है। अब जैसे देखो, I am not much famous on YouTube। मेरा जो है ना journey बहुत ही up and down रहा है because of my personal reasons। तो मेरा YouTube का जो journey है ना, मैं अगर manifest करूँ कि हाँ आई एम सो फेमस ऑन यूट्यूब, और मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो कुछ दिनों से ही मैंने फोकस किया है अपने काम पे वापस, तो ये चीज़ मेरे लिए तो काम कर रहा है। बिकॉज यू कैन सी माय इंस्टाग्राम एंड माय यूट्यूब, आई हैव बीन अ बिट कंसिस्टेंट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, तो मेरे लिए ये काम कर रहा है। बिल्कुल आप अगर कुछ भी ज़ीरो करोगे, आपके काम में एक्शन ही नहीं है, बस बैठ के ड्रीम करते रहने से कुछ भी पूरा नहीं होता है, बट सोच, बिलीव और फेथ, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम करता है एक्शन के साथ। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तभी वो चीज़ फुलफिल कर पाओगे। बैठे बैठे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी काम नहीं करता है, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि पानी में बोल कर डाल दो आपके विशेज़ पूरे हो जाएंगे, ये पर्सन को आप अपने पास ले आओगे, या फिर किसी के हेल्थ को आप ठीक कर सकते हो, खुद के हेल्थ को ठीक कर सकते हो, फाइनेंशियली स्टेबल बन सकते हो। नथिंग वर्क्स, बिना एक्शन के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। बिना एक्शन, बिना हार्ड वर्क के दुनिया में कुछ नहीं मिला है किसी को। बट पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, ये चीज़ जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लाता है आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ को ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टर्म दिया गया है, मैनिफेस्टेशन का टर्म दिया गया है, ताकि आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव फील करोगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी, तभी तो आप एक्शन ले पाओगे ना किसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए। तो इस चीज़ को ना इस वे में सोचो कि आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, आपको सोचना है कि आपके जो सपने हैं ना वो पूरे हो चुके हैं। वो क्या करेगा ना, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा एक्शन में आने के लिए और मेहनत करने के लिए। तो अगर आप एक्शन में आओगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपकी चीज़ों को फुलफिल करने का हौसला मिलेगा और आप अपने काम को सीरियसली करोगे। तो यहाँ पे मैंने, देख तो नहीं सकते, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मेंटली रिहर्सिंग डिजायर्ड आउटकम्स कैन एनहेंस परफॉर्मेंस। Visualization activates neural pathways and aligns subconscious with conscious goals. इसका मतलब समझ रहे हो आप, विजुअलाइजेशन जो है ना वो हमारे न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है और उसे अलाइन करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के गोल्स के बीच को जो है वो अलाइन करता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच को अलाइन करना ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड कुछ और सोच रहा है कि नहीं यार ये चीज़ तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे तो ज़िंदगी में कभी ये चीज़ फुलफिल नहीं हो पाएगा, और कॉन्शियस माइंड जो है ना वो ड्रीम करता है कि काश ये चीज़ मेरा फुलफिल हो पाता, काश मेरे लाइफ में ये चीज़ होता, काश I am at some point in my life, I have good health, I have good relationships, और बिल्कुल happy, lovey dovey आपकी life हो। तो इस चीज़ का जो, as I said, इस चीज़ का जो ब्रिज है ना, उसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप विजुअलाइजेशन करके स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आप बस 66 डेज आपको ये चीज़ फॉलो करनी है एंड आप देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रही है। मैंने ये चीज़ किया है और आई हैव सीन डिफरेंसेस इन माय लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा आ गई है एंड आई बिलीव कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ आपके कर्मा जो है काफ़ी ज़्यादा काम करता है एंड एवरीवन हैज़ टू फेस देयर कर्मा। आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते, आप अपनी किस्मत बदल सकते हो कर्म करके। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फुलफिल होने में 18 to 254 days तक लग सकते हैं। आपको क्या करना है, डेली आपको 5
ऐसे चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो अपने लाइफ में, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया फील करते हो, थैंकफुल फील करते हो भगवान से कि थैंक यू भगवान आपने मुझे ये दिया वो दिया। 5 चीज़ें बस डेली सुबह उठकर लिख लो या मन में सोच लो या अपने नोट्स में फ़ोन में कहीं पे भी लिख लो, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए ना कम से कम 18 दिन आपको देने होंगे। कंसिस्टेंटली आप इस चीज़ को करोगे, इस चीज़ पे एक्शन लोगे तभी, और मैक्सिमम जो है ना वो 264 डेज तक आपको देखने को मिलेगा। तो करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट तक जाने के लिए ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, एंड जो लोग कर लेते हैं वो बिल्कुल अचीव करते हैं चीज़ों को। पॉजिटिव और रिसोर्सफुल स्टेट में रहना है, लाइक आपको हैप्पीनेस फील करना है, जॉय फील करना है, कॉन्फिडेंस फील करना है, अपने ड्रीम्स के बारे में क्लैरिटी फील करना है, सर्टेनिटी फील करना है, और आपको गुड हेल्थ फील करना है कि यू हैव अ गुड हेल्थ। आपको अगर बॉडी में पेन भी है ना तो उसे फील मत करो कि पेन है कहीं पे, आप अपने काम को करते रहो, आप एक्सरसाइज करते रहो, आप अच्छा खाना खाओ, ये सब कुछ करते रहो और ये फील करो कि यू आर बीइंग लव्ड एंड यू लव एवरीवन अराउंड यू। तो ये जो है ना ये पॉजिटिव स्टेट हो गया आपको, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसी स्टेट को आपको लेकर चलना है, क्योंकि जो नेगेटिव और अनरिसोर्सफुल स्टेट होता है ना वो आपको क्या देता है, वो आपको देता है स्टक स्टेट। आप ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो, स्टक हो किसी चीज पे, चाहे वो फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, आप स्टक फील करते हो, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं आपको, अनफिनिश्ड एजेंडाज होते हैं आपके, और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बैड मेमोरीज होती हैं, अब्यूज, बुली, ट्रेजिडी, एक्सीडेंट, फोबिया, फियर, हर्ट, गिल्ट, ग्रीफ, ये सब कुछ जो है ना ये हम सब में होता है, क्योंकि हमारा लाइफ जो है ना वो स्मूथ नहीं होता है, हम बहुत कुछ फेस करते हैं हमारे लाइफ में। तो इस चीज़ ये जो चीज़ें हैं ना अनरिसोर्सफुल, जो हमारे अनरिसोर्सफुल स्टेट जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, तो उसे आपको दूर करना है, उससे दूर होना है, उससे अपने माइंड को दूर करना है, और आपको जो है पॉजिटिव और रिसोर्सफुल स्टेट में जाकर अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को पूरा करके अपने मैनिफेस्टेशंस को अचीव करना है। इस ज्ञान तो मैंने दे दिया, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी भी आई नो कि 80% लोगों को बिलीव नहीं होगा, आधे से ज़्यादा मजाक उड़ाने वाले हैं, आधे से ज़्यादा हंसने वाले हैं, और उनमें से कुछ लोग बैड कमेंट्स भी पास करने वाले हैं, बट बिलीव मी इट वर्क्स, एंड आपको बस मेहनत करना है कंसिस्टेंटली अपने थॉट्स पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, अपने कॉन्शियस माइंड पे काम करना है, अपने एक्शंस को इम्प्रूव करना है टू अचीव योर गोल्स, टू अचीव योर ड्रीम्स, और इतना करने के लिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने जो भी ड्रीम्स हैं और मैनिफेस्टेशंस हैं उसको विजुअलाइज करते रहना है। और 5 चीज़ें एवरी मॉर्निंग यू हैव टू राइट डाउन जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, बस इतना करो, ये चीज़ें आपकी फुलफिल होती हैं, आपके विशेस फुलफिल होते हैं। तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो, और कितने लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पे बिलीव है वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आई रियली वांट टू नो कि ये काम करता है या नहीं करता है। मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया इस बारे में, और क्योंकि मैंने फेस किया और उसके बाद रिसर्च किया, और उसके बाद मैंने जो रिसर्च का जो प्रोसेस है ना उसको फॉलो भी किया, एंड आई एम सीइंग माय मैनिफेस्टेशंस वर्क, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया ताकि आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो सके इस चीज़ को लेकर। अगर आप भी ऐसा कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप अपने, जिसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो, तो आपको थोड़ा सा आपका पाथवे जो है वो इजी हो जाए इस वीडियो के साथ। तो अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो ना तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पे बिलीव है या नहीं है, और आपका जो कोई भी अगर आपका ड्रीम फुलफिल हुआ हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो वो ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल बी सीइंग यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।